तो पाइथन डिक्शनरी, सो नाउ चेक हियर माय डिक्शनरी, नेम इज जैक, एज इज 26, ओके, इफ आई पास माय डिक्शनरी नेम, माने एटा होची हमर की, एटा हला वैल्यू, एटा हला की, देन एटा हला वैल्यू, तो फर्स्ट होची की, सेकंड टा हला वैल्यू, एटा हला वैल्यू, सेमती एज टा हला की, 26 हला वैल्यू, जब हम लिखे माय डिक्शनरी नेम तो यहाँ जैक प्रिंट कर लिखे डिक्शनरी डॉट गेट एज तो एज मत 26 प्रिंट कला कि जो आड्रेसटा प्रिंट करा चाहिए ये से एरर शो कला बिकज द आड्रेस की इज नॉट प्रेजेंट बुझेगा अमित प्रियदर्शिनी यस सर ओके देन नेक्स्ट प्रोग्राम तो नेम हला जैक एज हला 26 तो मुझे एज जगह अगेन 27 करी ओके देन प्रिंट हला माइंड डिक्शनरी माइंड डिक्शनरी देन हियर मु आ गोटे ऐड कली कोनो आ गोटे की ऐड कली एड्रेस कोडी ऐड कली ना एग्जिस्टिंग डिक्शनरी रे तापर मोर वैल्यू रहला एठी कटक एठी लास्ट एंड रे देखो नेम जैक एज 27 एड्रेस कटक एटा ऐड है बुझे हो देन नेक्स्ट प्रोग्राम सर विंडोज 7 32 बिट रे एटा ए सॉफ्टवेयर टा ये होनी इंस्टॉल होनी विंडोज 7 ने प्रॉब्लम हो ना तो विंडोज 8 विंडोज 7 ने के प्रॉब्लम ही पड़े विंडोज 7 हेले तुमको 2.7 वर्जन पाइथन में सेटा करे होगी फिर अबंडन ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट कौन बोला 10 10 रे आसीबो विंडोज 10 रे विंडो 10 में हबो 8 रे हबो 7 रे प्रॉब्लम हबो 7 रे बहुत कष्ट हबो मु देखि दली आउ पिलर सेंड करते इंस्टॉल हबो किंतु फ्रस्ट्रेट हबो काम करियो देन इटा हला स्क्वेयर्स 1:1 इटा 1 टा हला की एटी 1 हला वैल्यू 2 टा की 4 हला वैल्यू 3 टा की 9 हला वैल्यू 4 टा हला की 16 हला वैल्यू 5 टा की 25 इज वैल्यू ओके देन आई राइट हियर स्क्वेयर्स पॉप 4 पॉप 4 माने मु ए वैल्यू टा को रिमूव कर ली पॉप 4 जे तरह रिमूव करू छी मेरा 16 पास कर ली
प्रिंट स्क्वायर ऑफ पॉप 4 पॉप 4 हेले कोन हो की डाटा सर हेटा बुझल सर एटा 16 ता तळु को सर सर ता तळु को जो कोडिंग लेखला तार काम कोन थिला बुझ पाइले एटा ता तळु को जो 1 2 3 4 5 लाइन अछि पॉप हेला परे माने एटा रिमूव हे गला रिमूव हे गला परे रिमेनिंग कोन रहला 1:1 2:4 3:9 5:25 माने एटा रिमूव हेला परे आउ जते के रिमेनिंग आइटम रहला सेरा शो कला बुझला यस सर तापरे मु खाली जदे लिखिबे प्रिंट स्क्वायर पॉप आइटम आइटम करे से लास्ट एलिमेंट रिमूव करियो एटा मतलब पोजीशन दबा तले स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव होबो सर वो रिमूव करेगा या फिर वो वही आइटम दिखाएगा लास्ट आइटम इट इज नॉट रिमूव ओके इट इज रिट्राइव द एलिमेंट ओके लास्ट एलिमेंट को रिट्राइव कर दिखाएगा एंड व्हेन इट इज रिट्राइव देन पॉप मींस व्हाट सपोज इट्स जस्ट लाइक इन ए बैग यू हैव 5 बुक एंड यू आर what take out one book okay one book you retrieve then how many books are there 4 books it is showing you that 4 book pop means you are retrieve the value it is show the value but in a bag how many values are there 4 values so it is printing that 4 value okay okay sir then after popping then the remaining element it is showing you 1:1 2:4 3:9 okay so after delete the square okay jetara mu delete square karuchi and I want to print the square okay so there is no element is present okay so that after deleting the square when I print the element it's showing you name square is not defined then next program person name name colon Vikas age is 22 if I write person dot get name get name so it is showing you name is Vikas when I write person dot get age it is showing you 22 person dot get salary the salary is not present so it is showing you none okay mane a bitre salary nahi tero sethi pai aro value dekhela none and if your value is not present then here I pass the default value so default value is 0.0 okay so it is printing you the default value that is 0.0 okay sir it percent object hole create hela ki nahi object nahi percent ka variable na dictionary name bujho ji yes sir सर वो सर यहाँ पे जो है प्रिंट एज पर्सन डॉट गेट एज एज के साइड में अगर हम दूसरा कोई एज देंगे तो क्या प्रिंट करने से क्या आएगा दिस वन यस सर सो इट इज नॉट जैसे सैलरी
सैलरी में 0.0 लिखा है, ऐसे ही एज के साइड में दूसरा कोई एज देंगे तो जब प्रिंट करेंगे तो कौन सा एज लेगा, ऊपर वाला 22 लेगा या दूसरा वाला लेगा? इट इज टेक दिस वैल्यू, ये वैल्यू आपका लेगा, ये जो 22 जो है ये लेगा। सपोज मैं यहाँ पर तो 54 पास कर रहा हूँ, देखिए सर देखो दिस वन टू, ओके इफ यू पास दिस वन, ओके सो सीरियलिटी इज एडेड, ओके सो वही वेरिएबल, उस वेरिएबल में जो जितना सारा नंबर लेंगे वो यहाँ पे दिखाएगा। देन डिक्शनरी क्लियर, ओके सो डी वन कॉलन वन देन टू कॉलन टू, सो आफ्टर राइटिंग डी डॉट क्लियर, ओके सो इट इज रिमूव ऑल द आइटम, ओके रिमूव ऑल द आइटम देन इट इज शोइंग यू द ब्लैंक डिक्शनरी। ओके सो आफ्टर व्हेन यू राइट क्लियर, क्लियर मीन्स इट इज क्लियर द डेटा, इफ यू राइट डिलीट, डिलीट मीन्स इट क्लियर द डेटा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिक्शनरी। ओके सर इस क्लियर और डिलीट में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर क्लियर हम कीवर्ड यूज किए, ऊपर डिलीट यूज किए थे। हाँ सो डिलीट मीन्स इट इज अ डिलीटिंग द इंफॉर्मेशन एज वेल एज अ स्ट्रक्चर ऑफ द डिक्शनरी। ओके सो डिक्शनरी का स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देगा और डाटा को भी डिलीट कर देगा। अगर आप क्लियर यूज करते हो तो सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन ही क्लियर होगा, उसका अंदर जो एलिमेंट है बस वही इंफॉर्मेशन एलिमेंट डिलीट भी कर क्लियर लेगा। होगा लेकिन वो स्ट्रक्चर वो नहीं जाएगा, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर, यस सर। Now see that I define here original one colon one two colon two. This is original dictionary. Now here I pass new dictionary new. Then here I pass original dot copy method. So when I use a copy method, that means it is copy all the element and store where in a new dictionary. This one. So this part is required because if you remove, then no output will display. So that this one is used.
stocks. Okay, so next program. Is cutting. Okay, so next program is. सर सर रन करने का आंसर नहीं आ रहा है क्या? हाँ आंसर थोड़ा डिले हो रहा है. सर वहाँ पे जो था इनपुट एंटर के उसका क्या काम है? मतलब वही चीज में दिखा रहा था, अगर वो नहीं लिखोगे तो यहाँ पर जो कॉपी होने के बाद वो वैल्यू शो नहीं करता है, मतलब जो आउटपुट को आपको शो करने के लिए अगर कोई नेक्स्ट लाइन आएगा तभी आपका कोई इन्फॉर्मेशन शो करेगा. जैसे कि कॉपी बड़े हुए कॉपी बड़े तो बड़ा होगा. This one. If I fill it, सर वहां पे जो लिखा था इनपुट एंटर की, वहां पे कुछ भी लिखना चलेगा ना या फिर इंटर की ही लिखना पड़ता है? नहीं, it is a message. स्लो हो रहा है बस. If you are not passing anything also, it is also display the output. Okay.
की ए ई आई ओ यू, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. तो इफ यू वांट टू गेट ओनली की, दिस वन इट इज यूज फॉर फॉर्म की. इट मीन्स वट द ए ई आई ओ यू वी कन्वर्ट दिस फाइव वैल्यू एज ए की, बट वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू सो दैट इट इज शोइंग यू नॉन. ओके, सो इट मीन्स इसका मतलब क्या है ना, दैट वी हैव टू पास ए ई आई ओ यू एज ए की, मतलब ए पांच को वो की में कन्वर्ट कर देगा. लेकिन जैसे कि यहाँ पर हम कुछ वैल्यू नहीं दिए हैं, तो ऑटोमेटिक हर एक की का जो वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू वो नॉन असाइन कर दिया. ओके, क्लियर? अगर हम वैल्यू देंगे तो कहाँ पर देंगे? हियर वी आर नॉट पासिंग एनी वैल्यू, सो इफ यू वांट टू पास ए वैल्यू अगेन, normally you have to pass as the dictionary program I have show you, you have to pass a value and then key. Okay, sir, say key is agar a is equal to value dena hobe na jo key likha hai. Nahi nahi, same thing hobe. Now see that. That answer you will get here when you pass the value. The key A I O U, then value that we are passing as vowel. So for all key, the value is assigned vowel, 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 vowel. Okay. So, so हम जो ऊपर की लिखे हैं key is equal to a एक एक colon कुछ all कुछ दूसरा कोई नाम दे देंगे, फिर e colon दूसरा कुछ नाम दे देंगे, फिर उसके बाद value equal to vowel देंगे, फिर vowel से equal to dict dot form keys keys और value, इसे उसको print करेंगे तो क्या आएगा? मतलब ये ऊपर वाला प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एक ही साथ करोगे? नहीं, जो नीचे वाला जो प्रोग्राम था कि ए ए कोलन कुछ कुछ नाम दे देंगे उसको, फिर ई कोलन कुछ नाम दे देंगे इस दोनों को, हाँ वो तो भावल, फिर वैल्यू में भावल का, वो तो मैनुअल प्रोग्राम है. जैसे कि आप पहला प्रोग्राम मैंने दिखाया था इस तरह से पास करेंगे कोलन, तो ये हो जाएगा, आ जाएगा, ये नॉर्मल है. ओके, अगर आप की के साथ वैल्यू डायरेक्ट, अच्छा अच्छा समझे समझे, डायरेक्ट पूरी पूरी एलिमेंट साथ एक वैल्यू देने हैं तो ऐसे करेंगे. हाँ,
this thing is over get This is another example. This one. The cells apple 2, orange 3, grapes 4. If I write cells dot items, so it is printing, you see that in the form of a tuple. Apple 2, orange 3, grapes 4. Okay, it converted dictionary in the form of a what? In a list. Okay, so dictionary is converted in the form of a list. So it is also, you see another example. Person, name, field, age is 22. Okay, if I write person dot key, we're saying your name and age. So empty dictionary. When I pass empty dictionary, then if I find out the key, so it is blank. Next example, person name is Phil, age is 22. If I write person dot get key, so it is showing you name and age, then person dot update. So I want to update salary. So salary is updated here. Matlab yahan par main salary add kiya existing dictionary mein. So after updation, जब मैं की को रिट्राइव कर रहा हूं तो देखो नेम दिखाया एज दिखाया सैलरी दिखाया ओके क्लियर यस
देन एप्पल टू ऑरेंज थ्री ग्रेप्स फोर एलिमेंट सेल्स डॉट पॉप एप्पल ओके सो व्हेन आई पॉप एप्पल तो एलिमेंट टू इज पॉप मीन्स इट इज शोइंग यू व्हेन यू यूज एप्पल देन इट इज शोइंग यू टू देन इट इज शोइंग यू अपडेटेड एलिमेंट सो एज ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट द पॉप एलिमेंट Another example. Then डिक्शनरी वन टू थ्री सो इन द टू आई एम पासिंग थ्री दो के जगह पर थ्री है अभी मैं उसको डी वन एक पास किया डी वन टू टू तो अभी मैं डी के साथ डी वन अपडेट करूँगा अपडेट करने के बाद देखो क्या हुआ जो टू के जगह पर थ्री है अभी टू हो गया फिर डी वन के जगह पर थ्री कॉलोन थ्री अभी फिर डी वन डॉट अपडेट ओके सो डी जगह पर डी वन अपडेट कर दिया तो थ्री यहाँ पर ऐड हो गया क्लियर सो इट इज ऑल अबाउट योर डिक्शनरी इन नेक्स्ट क्लास मंडे आई विल गो फर्दर ऑफ दिस थिंग चलो गुड नाइट